Okay, so let us start with next chapter, that is AC circuits. ये chapter electromagnetic induction से connected है, लेकिन थोड़ा easy है in comparison. But under the condition कि आपके theory concepts clear है. So let us start with first question, and we will start with CET level question. तो ये जो पहला ही question है, this is question number one, and this is CET question. तो ये क्वेश्चन नंबर वन है. एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 0.2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एन एलसीआर सीरीज सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम, कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफैरड एंड इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी. एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन एलसीआर सर्किट. एलसीआर मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, दे आर इन सीरीज. And then you connect some source to this, maybe AC source. So LCR circuit AC ही होगा क्योंकि हम alternating current AC circuit chapter ही देख रहे हैं, तो AC source होगा. Good. So this is LCR circuit. अब आगे बोला है an alternating EMF of 0.2. लेकिन alternating EMF तो alternating होता है, आपको पता होना चाहिए. When you say alternating EMF, तो उस case में you have a sine signal. करेक्ट, लेकिन साइन में वैल्यू गोज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम एंड बैक टू जीरो एंड नेगेटिव मैक्सिमम देन जीरो देन पॉजिटिव मैक्सिमम. इन्होंने क्या बोला है 0.2 वोल्ट. 0.2 वोल्ट मतलब क्या करेंगे यू कांस्टेंट वैल्यू. तो एक्चुअली क्या है वेरिएबल वेरिंग, लेकिन दिया गया है कांस्टेंट. तो जब आपको ऐसा कांस्टेंट वैल्यू मेंशन किया होगा एसी सर्किट में, तो रिमेंबर इट इज ऑलवेज आरएमएस. तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो ये 0.2 मतलब क्या है आरएमएस वैल्यू है. उसके बाद आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी 4, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है आपको 80 माइक्रो फैरड, माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6, राइट. और आपको बता दिया व्हाट इज इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, मिली मतलब 10 पावर माइनस 3. और आगे बोला है एट रेजोनेंस यू शुड रिमेंबर कि रेजोनेंस पे क्या होता है. तो अगर आपको याद होगा एट रेजोनेंस, वेल इससे भी पहले अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बता देता हूं. हमारे पास अगर एक डीसी सर्किट होता, तो डीसी सर्किट में करंट को जो अपोजिशन होता है उसको बोलते हो रेजिस्टेंस. एसी सर्किट में आपके पास इंडक्टर है, आपके पास कैपेसिटर है, आपके पास रेजिस्टेंस है. तो इंडक्टर एसी करंट को जो अपोजिशन ऑफर करेगा उसको बोलते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस. कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर करेगा उसको बोलते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस को बोलते हो रेजिस्टेंस. हमारे पास जो सर्किट का उसमें तीनों ही है, एल भी है, सी भी है और आर भी है. तो इसका मतलब इंडक्टेंस भी अपोजिशन ऑफर कर रहा है, कैपेसिटेंस भी कर रहा है और रेजिस्टेंस भी कर रहा है. तो टोटल टोटल अपोजिशन को हम बोलते हैं इंपेडेंस डिनोटेड बाय जेड. और इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर इनसाइड स्क्वायर रूट. तो ये पता होना चाहिए कि एसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू एसी करंट इज कॉल्ड एज इंपेडेंस, एंड इंपेडेंस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर. Where XL is याद होगा ओमेगा L, XC is 1/ωc. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेजोनेंस पे क्या होता है. रेजोनेंस का मतलब होता है कि XL और XC की वैल्यू सेम होना. तो एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC. तो ये जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा Z इक्वल टू R. Because at resonance XL equal to XC, तो Z equal to R square plus 0 का square, which is equal to R. Good. So what is happening? You have Z equal to R. और find क्या करना है आपको? आपको पूछा है voltage drop across inductor. अब ये voltage drop word कहीं पे भी आए, तो always apply Ohm's law. What is voltage drop का formula? IR. Right? IR. लेकिन इन केस ऑफ एसी सर्किट्स यू नॉर्मली राइट इट एज आई जेड, राइट.
करेक्ट, लेकिन हमें पूछा है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर के अक्रॉस, ओनली अक्रॉस इंडक्टर, तो आई एक्स टेन। अगर पूछा होता व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस तो आई आर, पूछा होता व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर तो आई एक्स सी, पूछा होता व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंप्लीट सर्किट तो आई जेड। क्या पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर मतलब आई एक्स एल, तो आई एक्स एल। गुड, देन आपको पता होना चाहिए ये है आर एम एस वैल्यू, करेक्ट। आई फाइंड करना पड़ेगा, तो आई कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। डू यू हैव यू बीन गिवन समथिंग, नहीं तो आई देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट आई, हाउ डू यू फाइंड आउट आई। मैंने अभी भी बताया आपको, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू ई इक्वल टू आई जेड है ना, तो वी आर एम एस इक्वल टू आई इनटू इम्पेडेंस, ई इक्वल टू आई जेड मतलब वी इक्वल टू आई जेड। देन यू हैव फ्रॉम हियर, यहां से मिल जाएगा करंट इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, बट जेड की वैल्यू क्या आई आर, तो आपको क्या मिलेगा आई इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर। तो वी आर एम एस कितना दिया है, कितना दिया है 0.2, आर कितना दिया है 4, तो 0.2 अपॉन 4 कितना, हाउ मच इज दिस 0.05, क्योंकि ये 0.2/4 है, 2/4 होता तो 0.5 होता, तो 0.05 मतलब आपको करंट मिल गया, करंट मिल गया, करंट मिल गया। तो फिर एक्सएल फाइंड कर लो, व्हाट इज एक्सएल, व्हाट इज एक्सएल ओमेगा एल, करेक्ट राइट ओके, बट डू यू नो व्हाट इज ओमेगा, यू डोंट नो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा पता नहीं तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू हियर इज, क्या बोला है एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे क्या होता है एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, व्हाट इज एक्सएल ओमेगा एल, व्हाट इज एक्स सी वन अपॉन ओमेगा सी, यहां से मिल गया आपको ओमेगा इनटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एल सी, मतलब ओमेगा क्या मिलेगा वन अपॉन रूट ऑफ एल सी, तो यू विल गेट ओमेगा एस वन अपॉन रूट ऑफ एल सी, तो यहाँ पे रूट ऑफ एल सी मिल जाएगा आपको राइट। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे ओमेगा एस वन अपॉन रूट ऑफ एल सी और ये आ गया एल, तो एल को रूट के अंदर ले जाओगे तो एल स्क्वायर बाय एल सी मतलब रूट ऑफ एल बाय सी, एक और एक कैंसिल हो गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एल 200 × 10⁻³, व्हाट इज सी 80 × 10⁻⁶, कैंसिल कैंसिल 20/8 डिवाइड इज 4 5 जा 4 2 जा 5/2 कितना 2.5, 2.5 ऊपर कितना है 10⁻³, नीचे कितना है 10⁻⁶, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा +6, व्हाट इज 10⁻³ +6 10⁻³, तो 2.5 × 10⁻³ इज 2500, 2500 का रूट कितना 50, करेक्ट, तो 2500 का रूट कितना आएगा 50, 2500 का रूट कितना आएगा 50, गुड, तो 50 है, 50 क्या है ओहम है, ऑफ कोर्स ओहम है। देन हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर व्हिच इज आई इनटू एक्सएल, तो देयरफॉर वी आर एम एस एल इज आई, बट व्हाट इज आई 0.05, 0.05 व्हाट इज एक्सएल 50, व्हाट इज 50 × 0.05 2.5 वोल्ट, तो 2.5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज 2.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, लुक ये सारा इसके लिए, क्योंकि बेसिक्स अगर नहीं देखे होंगे तो पता होना चाहिए, लेकिन अगर सब बेसिक्स पता है तो इसका शॉर्टकट भी है, स्टेप्स यही इन्वॉल्व है, सिर्फ ये याद रखना जब भी पोटेंशियल ड्रॉप पूछा हो तो इसका मतलब अप्लाई करना है ओहम्स लॉ। पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पूछा है आपको, अक्रॉस इंडक्टर मतलब ये आएगा, यहाँ आएगा करंट, यहाँ आएगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर व्हिच इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल। आई
पता नहीं है, लेकिन फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? वी आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस, व्हाट इज आई वी बाय आर, लेकिन आर को बोलते हो जेड जेड। एक्स एल एज आई टोल्ड यू इज ओमेगा एल। देन आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस ये वर्ड सुना, मतलब जेड इक्वल टू होता है आर, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू हो जाती है सेम, तो जीरो हो जाएगा ये टर्म, दिस इज जीरो। तो एट रेजोनेंस सुना मतलब जेड इक्वल टू आर, ओमेगा पता नहीं लेकिन एट रेजोनेंस सुना तो ओमेगा होता है वन अपॉन रूट ऑफ एल सी। गुड, तो एज यू सी एट रेजोनेंस जेड इक्वल टू आर, ओमेगा इज वन अपॉन रूट ऑफ एल सी। तो ये आ गया आपके पास वी आर एम एस बाय आर रूट ऑफ एल बाय सी, पुट वैल्यूज एंड डन। वी आर एम एस वॉज 0.2, आर वॉज 4, एल इफ यू रिमेम्बर इज 200 × 10⁻³ अपॉन सी वॉज 80 × 10⁻⁶। ये आ गया 0.05। ये सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली दिस इज 2.5 × 10⁻³, 20/4 = 2.5, 10⁻³ × 10⁻⁶ = 10⁻³, तो 0.05 ये आ जाएगा 2500, 2500 का रूट होता है 50, और 2500 का रूट 50 होता है, तो 50 × 0.05 होता है 2.5 वोल्ट। डन, दिस इज व्हाट यू विल डू। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। एन एसी सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 5 ओहम। द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। तो सबसे पहले बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक्स। द आइडिया हियर इज, अगर आपके पास एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है और ये एसी सर्किट है, तो याद रखना देयर इज नो लीड नो लैग, मतलब करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज। तो करंट आई और वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं पी आर, ये दोनों होता है इन फेज, नो लीड नो लैग। जब आप इसी सर्किट में, व्हेन यू कनेक्ट इन द सेम सर्किट, इफ यू कनेक्ट इंडक्टर, अगर आप इंडक्टर कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर को हम डिनोट करते हैं ई एल से। और आपको पता होना चाहिए एसी सर्किट में जब आपके पास इंडक्टर हो तो देन हु लीड्स, ईएमएफ लीड्स, ईएमएफ लीड्स एंड करंट लैग्स, और दोनों में फेज एंगल नॉर्मली नॉर्मली होता है 90, राइट? तो ईएमएफ लीड्स एंड करंट लैग्स। अगर आपने इसी सर्किट में इंडक्टर हटा दिया और आपने लगा दिया कैपेसिटर, तो इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल ड्रॉप को बोलेंगे ईसी, और आपको पता होना चाहिए इन दिस केस, इन दिस केस करंट लीड्स एंड ईएमएफ लैग्स। जो भी लीड करता है वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाते हैं, तो करंट यहाँ पे लीड कर रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज में आगे है और ईएमएफ कहाँ है, पीछे है। जो भी लीड करेगा, इमेजिन इमेजिन अगर हमारे पास सर्किट हुआ प्योरली रेजिस्टिव, तो ये डायरेक्शन है ई आर का। अगर हुआ इंडक्टिव तो ईएमएफ आएगा ऊपर, अगर हुआ कैपेसिटिव तो ईएमएफ आएगा नीचे। तो हम लोग करंट की डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, फिर बोलते हैं अच्छा रेजिस्टिव सर्किट है नो लीड नो लैग, इंडक्टिव है ईएमएफ इज लीडिंग, कैपेसिटिव है ईएमएफ इज लैगिंग। गुड, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये कब, ये तब जब आपके पास सर्किट में एक एक कंपोनेंट है, ओनली वन एंड वन, या तो रेजिस्टेंस है या फिर कैपेसिटेंस है या फिर इंडक्टेंस है। लेकिन अगर आपने एक ही सर्किट में
एक ही सर्किट में दो या तीन लगा दिए, यहाँ पे हम दो लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, बोला है ना रेजिस्टेंस है, और क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब एक इंडक्टर है। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में सबसे पहले करंट की डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग रख दो, और ये डायरेक्शन करंट का भी है, ये डायरेक्शन ER का भी है, ER मतलब ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। और आपको पता है कि करंट और ER में फेज डिफरेंस नहीं होता। देन पोटेंशियल ड्रॉप तो यहां पे भी होगा EL, लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया कि EL लीड्स बाय हाउ मच 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू करंट, राइट। तो ये आ गया EL, गुड। देन यू शुड नो आपके पास दो वेक्टर बन गए, कौन से दो वेक्टर, एक है ER, एक है EL। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो वेयर इज द रिजल्टेंट, अलोंग द डायगोनल। तो अलोंग द डायगोनल रिजल्टेंट मतलब ये है E, मतलब इफेक्टिव EMF, क्योंकि दो EMF थे ER और EL, तो रिजल्टेंट इज E। इसने जितना भी एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं फेज एंगल। कुछ बुक में लिखा है थीटा, कुछ बुक में बोला है फाई, तो इस वाले फेज एंगल या फिर फेज डिफरेंस। डेफिनेटली आपको दिख रहा है रिजल्टेंट ईएमएफ कहां है, एंटी क्लॉकवाइज में आगे है, राइट। तो कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ। सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि कितने एंगल से लीड कर रहा है, द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बाय द वे, अगर मैंने आपको पता होना चाहिए वैसे, वेक्टर्स को आप जहां चाहो वहां मूव कर सकते हो, तो मैंने वेक्टर को मूव कर दिया, ये वेक्टर यहां था, कौन सा था EL, इसको यहां रख दिया, रख सकते हैं, परमिटेड है, ये चलता है वेक्टर्स में, चलता है, आप कर सकते हो, तो कर दिया, इसको मूव कर दिया, गुड, यहां रख दिया। देन इफ यू नो ये क्या था, ये था ER, ये साइड क्या था, दिस साइड वॉज EL, गुड, और ये क्या है E है, तो दिस इज E। देन इफ यू रिमेंबर, इफ यू नो EL इज I XL, ER इज I R, एंड E इफ यू रिमेंबर इज IZ, करेक्ट, E इज IZ, Z इज इंपेडेंस, EL इज IXL, XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ER इज IR, तीनों में I कॉमन है, तो एक काम करो, कॉमन है तो गायब कर दो, हम लिख देंगे XL, हम इसको लिख देंगे Z, और इसको लिख देंगे R, राइट। मतलब ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, इसका नाम है इंपेडेंस। तो जो ट्रायंगल बना, इसको बोलते हो इंपेडेंस ट्रायंगल, गुड। तो इंपेडेंस ट्रायंगल पता होगा तो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है, व्हाई द फेज एंगल बिटवीन, बिटवीन व्हाट, बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब लॉजिकली स्पीकिंग पता क्या है तुमको, रेजिस्टेंस पता है, मतलब ये वैल्यू पता है, और क्या पता है, एक्सएल पता है, कितना पता है 5 पता है, मतलब क्या क्या पता है, एडजेसेंट साइड पता है और अपोजिट साइड पता है आपको, तो ये तो मिल जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो क्या आएगा, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, उसका रूट 13, करेक्ट। तो इफ यू टेक कॉस और साइन दोनों, जो भी लेना है वो ले लो, cos of phi, what is cos, adjacent side मतलब R, upon hypotenuse मतलब Z, what is R 12, what is Z 13, so phi क्या आएगा, cos inverse of 12 by 13, पहले देख लो है तो ठीक, नहीं तो sin ढूंढेंगे फिर, cos inverse of 12 by 13, option number D, this is how you are supposed to solve this question। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट मतलब तीनों ही कंपोनेंट है इसमें, आर की वैल्यू दी है 300, एल की वैल्यू दी है 0.9, और सी की वैल्यू दी है 2 माइक्रो फैराड, ओमेगा आपको दिया है 1000, इंपेडेंस पूछा है, सिंपल सिंपल सिंपल, क्योंकि इंपेडेंस अभी अभी मैंने बताया, इट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस
एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो पहले एक्स एल फाइंड कर दो, एक्स एल इज ओमेगा एल, ओमेगा कितना दिया है 1000, 1000 मतलब 10 पावर 3, एल कितना दिया है 0.9, तो 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 900, राइट। देन xc इज 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज 10 पावर 3, c की वैल्यू कितनी बताई है 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10 पावर -6। अब ये आ गया नीचे 10 पावर -3, वो ऊपर जाएगा तो +3, 10 पावर +3, 1/2 कितना होता है 0.5, मतलब कितना आ गया 900 ओहम, ये 500 ओहम। तो xl माइनस xc कितना आ जाएगा, ऑलरेडी कैसे करते हैं 900 - 500 मतलब 400, 400 का स्क्वायर मतलब 16 × 10 पावर 4, 1,60,000 बेसिकली, गुड, ठीक है, डजंट मैटर, सिर्फ नंबर समझ लो नंबर्स। 9 - 4, 5 is 4, 4² = 16, r की वैल्यू क्या है 3, 3² = 9, तो ये यहाँ पे पहला नंबर आएगा 9, यहाँ पे आएगा 16, 16 + 9, 25, उसका रूट 5, ऑप्शन ए खत्म। फिर भी फॉर श्योरिटी जस्ट टू मेक यू कन्विंस कि आंसर ये आएगा, सिंपल है, जेड इक्वल टू आर, आर कितना था 300 था, 300 मतलब 3 × 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, XL माइनस XC आ गया आपके पास 400, बिकॉज 900 - 500 मतलब ये आ गया 4 × 100 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया आपके पास 9 × 10 पावर 4 प्लस 16 × 10 पावर 4, 16 × 10 पावर 4, इन दोनों में से 10 पावर 4 कॉमन निकाल लोगे, 10 पावर 4 कॉमन निकाल लिया तो 9 + 16 होता है 25, 25 का रूट होता है 5, और 10 पावर 4 का रूट होता है 10 पावर 2, मतलब 500 ओहम, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कैलकुलेशंस के जो ट्रिक्स है वो हमेशा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में अप्लाई करते रहना, मैंने अभी अभी आपको बताया हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ओरली, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, जस्ट बाय नोइंग पता लग गया व्हाट इज एक्सएल 900, व्हाट इज एक्ससी 500, 500 और ये 900, तो सब्ट्रैक्शन 400, 4 का स्क्वायर 16, आर का 300, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 = 25, उसका रूट 5, तो पहला नंबर 5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय ई इक्वल टू 100 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, राइट। तो जिनको पता नहीं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वेव फॉर्म साइन वेव होता है और उसका इक्वेशन होता है E इक्वल टू E जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम फेज एंगल, ये E जीरो होता है एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू, क्योंकि अल्टरनेटिंग में जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो फिर नेगेटिव मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। देन अब आप देख रहे हो क्योंकि ये साइन वेव है तो साइन वेव में पीक जो है पहली बार दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार मतलब मल्टीपल टाइम्स वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल गो टू पीक। अब आगे पूछा है द वोल्टेज विल बी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने बताया डायग्राम में बहुत बार होगा मैक्सिमम होगा फिर जीरो होगा फिर मिनिमम होगा फिर वापस मैक्सिमम होगा, एक बार दो बार तीन बार चार बार, तो पहली बार फर्स्ट टाइम व्हेन द वैल्यू विल गो टू पीक। अब आपको पता होना चाहिए ई डिपेंड करता है साइन पे, तो ई को मैक्सिमम होना है तो ई मैक्सिमम तब होगा जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, राइट। तो ई विल बी मैक्सिमम कब मैक्सिमम इफ इफ
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स विल बी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, वन। तो e की वैल्यू को मैक्सिमम होना है तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, दैट इज वन। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स, साइन की वैल्यू वन कब होती है, पाई बाय टू पे, मतलब 90 डिग्री पे। साइन साइन गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स इक्वल टू पाई बाय टू। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स, सिक्स पाई माइनस टू पाई, फोर पाई अपॉन टू इंटू सिक्स, वन जा टू जा वन जा थ्री जा, कितना आ गया, पाई बाय थ्री, करेक्ट, पाई बाय थ्री। ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय टाइम पीरियड, क्योंकि आंसर टाइम पीरियड के टर्म्स में है, तो टू पाई बाय टाइम पीरियड इंटू स्मॉल टी इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय थ्री, पाई बाय कैंसल, ये टी उधर गया, ये टू नीचे गया, तो स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी बाय सिक्स। सो द वैल्यू विल बी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन स्मॉल टी इज कैपिटल टी बाय सिक्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कॉइल हैज इंडक्टेंस 2 हेनरी, द रेशियो ऑफ इट्स रिएक्टेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड फर्स्ट टू एन एसी सोर्स एंड देन टू अ डीसी सोर्स। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक्स क्लियर होंगे तो डायरेक्टली बोल सकते हो इंफिनिटी। कैसे, क्या बोला है, एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस क्या है, 2 हेनरी, रेशियो ऑफ इट्स रिएक्टेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड फर्स्ट टू एसी, मतलब पहले हमने एसी सोर्स को कनेक्ट किया फिर हमने डीसी सोर्स को कनेक्ट किया, तो रिएक्टेंस इज ओमेगा एल, एल की वैल्यू कितनी, 2, तो ये क्या आ गया, 2 ओमेगा, करेक्ट। एंड तो ये है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एसी, बट व्हेन यू कनेक्ट इंडक्टर, इंडक्टर टू अ डीसी, द इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ प्योर कंडक्टर। डीसी को जब कनेक्ट करोगे तो इंडक्टर किससे बना होगा, कंडक्टिंग मटेरियल से, तो कैसे बिहेव करेगा, प्योर कंडक्टर, प्योर कंडक्टर का मतलब रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, क्या क्या आ गया, 0। तो याद रखना, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस चाहे वो इंडक्टिव हो चाहे वो कैपेसिटी हो, वो होता सिर्फ है एसी सर्किट में, डीसी में नहीं होता है, राइट। तो डीसी में क्या होता है, 0। रेशो किसका है, एसी टू डीसी, मतलब आपको पूछा है व्हाट इज रिएक्टेंस इन एसी अपॉन व्हाट इज रिएक्टेंस इन डीसी। एसी में कितना था, 2 ओमेगा, इसमें कितना है, 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर डी, डन। So this is option number D. Good. Then next question. An alternating voltage V equal to 200 root 2 sine of 100 t. is connected to 1 microfarad capacitor through AC ammeter. The reading of ammeter is. तो दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे वो एमीटर हो, ये हमेशा आपको देते हैं RMS value, right? RMS root mean square value. तो चाहे वो वोल्ट मीटर हो, वोल्ट मीटर देगा आपको VRMS, मतलब जब वोल्ट मीटर रीड करते हो 5 volt, what is 5 volt? RMS value. अगर आप एमीटर यूज कर रहे हो 3 एम्पियर, मतलब क्या है RMS value. तो आपको RMS value find करने के लिए बोला है. This is what you need to know. Reading of ammeter, मतलब RMS value of current. और आपको पता होना चाहिए RMS value of current होता है peak value of current upon root 2. अगर peak value मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब peak value कैसे find करोगे, आपको V का equation दिया है, V equal to 200 root 2
साइन ऑफ 100 टी, आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है v इक्वल टू वी जीरो मतलब पीक वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो वी जीरो कितना मिल गया, वी जीरो मिल गया 200√2 और ओमेगा मिल गया आपको 100। अब आई जीरो फाइंड करने के लिए इफ यू रिमेम्बर वी जीरो इज आई जीरो इंटू जेड, करेक्ट क्लियर। तो आई जीरो इज वी जीरो अपॉन जेड, लेकिन इस सर्किट में ना रेजिस्टेंस है ना इंडक्टेंस है, क्या है सिर्फ कैपेसिटेंस। तो अगर आपको इंपेडेंस का इक्वेशन याद है, इंपेडेंस का इक्वेशन था जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ना ये है ना ये है, तो क्या है एक्ससी का स्क्वायर का रूट मतलब क्या है एक्ससी, मतलब क्या है 1/ωc, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100, तो 1/100 और सी की वैल्यू कितनी है 1 microfarad मतलब 10^-6, ये आ गया 10^-4, ऊपर जाएगा तो 10^+4 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आपको मिल गया आई जीरो, आपको मिल गया वी जीरो, व्हाट इज वी जीरो, व्हाट इज वी जीरो 200√2 करेक्ट। तो आई जीरो मिल गया आपको वी जीरो विच इज 200√2 अपॉन जेड, तो 200√2 अपॉन जेड, जेड कितना 10^4, 10^4 मतलब 100 × 100, 2 0 2 0 हटा दो, इसको ऊपर ले जाओ तो 2√2 × 10^-2, ये हो गया आई जीरो। आपको क्या पूछा था रीडिंग ऑफ द एमीटर मतलब कितना IRMS, IRMS is I zero by root 2, I zero कितना 2√2 × 10^-2 अपॉन √2 √2 √2 कैंसल, तो कितना 2 × 10^-2 एम्पियर मतलब 20 × 10^-3 एम्पियर मतलब 20 mA, ऑप्शन नंबर डी 20 mA। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ जोक, यू नो इफ यू नो रेजोनेंस सर्किट्स तो यू नो व्हाट इज द आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स विच ग्राफ शो करेक्ट रिलेशन फॉर LC-LC पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो जिनको पता नहीं उनको बता देता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंट सर्किट, एक होता है सीरीज रेजोनेंस, एक होता है पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में तीनों ही होते हैं, एल भी होता है, सी भी होता है, आर भी होता है, एल सी एंड आर, एंड दीज आर कनेक्टेड टू ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। इस केस में एट रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस का मतलब क्या, रेजोनेंस का मतलब ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होना, लेकिन करंट की वैल्यू प्योरली डिपेंड करती है इंपेडेंस की वैल्यू पे। तो जब इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, राइट। तो इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब एट XL इक्वल टू XC, मतलब बेसिकली ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा होता है 2π टाइम्स ऑफ FR, FR is रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी है ये, 1/√LC मतलब FR की वैल्यू 1/√LC पे क्या होगा, एट दिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ इंपेडेंस गोज टू मिनिमम। अगर इंपेडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, तो होता ऐसा है यहाँ पे आप प्लॉट कर रहे हो करंट, यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी, ऐसा होता है। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या मिनिमम हुआ, इंपेडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मिनिमम तो करंट क्या हो गया मैक्सिमम। तो जो रेडियो सुनते हो मोबाइल में नहीं, पुराने टाइप के रेडियो जिसमें ट्यूनिंग का बटन होता है,
ट्यून जब करते हो तो यही कर रहे हो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज आप एक्सएल इक्वल टू एक्ससी कर रहे हो, और जैसे ही एक्सएल की वैल्यू इक्वल हो गई एक्ससी, इम्पेडेंस इज मिनिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड यू सी वेरी क्लियर साउंड, तो उसको बोलते हैं ट्यूनिंग ऑफ द फ्रिक्वेंसी, मतलब व्हाट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। इस केस में होता क्या है, इस केस में होता ये है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे, मतलब एफ आर पे, एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑल अदर फ्रिक्वेंसीज आर ब्लॉक्ड, एफ आर को छोड़ के ये हो गया या ये हो गया, ये सारे फ्रिक्वेंसीज ब्लॉक हो जाते हैं, एक ही फ्रिक्वेंसी पास हो पाता है, इसलिए इसको बोलते हो एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि इट एक्सेप्ट ओनली वन फ्रिक्वेंसी एंड रिजेक्ट ऑल अदर, ब्लॉक ऑल अदर, तो इसको क्या बोलोगे एक्सेप्टर, व्हाट व्हाट एक्सेप्टर, इसका क्या होगा इंपेडेंस मिनिमम होगा, करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, गुड। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा होता है पैरेलल रेजोनेंस में, पैरेलल रेजोनेंस में आपके पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा एल और सी, देयर इज नो आर, एल सी राइट। और इस केस में फॉर्मूला सेम है, इस केस में भी यू विल गेट एक्सएल इक्वल टू एक्ससी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी सेम मिलेगी आपको, तो आपको वापस मिलेगा एफ आर इक्वल टू वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ एल सी, सिर्फ डिफरेंस क्या है। हाँ वेल बाई द वे ये फॉर्मूलाज की जरूरत आपको नहीं पढ़ने वाली है, लेकिन ठीक है पता है इस क्वेश्चन के लिए, ऑफकोर्स पता है तो गुड। तो सीरीज रेजोनेंस में इम्पेडेंस था मिनिमम, करंट था मैक्सिमम, यहाँ पे उल्टा है, इस केस में इम्पेडेंस है मैक्सिमम, करंट है मिनिमम। तो अगर आप करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी प्लॉट करते हो तो यहाँ पे उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे एफ आर पे क्या मैक्सिमम हो गया इम्पेडेंस, मतलब रेजिस्टेंस, तो मिनिमम क्या होगा करंट, मतलब सर्किट क्या कर रहा है, सर्किट ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, बाकी सबको एक्सेप्ट कर रहा है, सिंगल फ्रिक्वेंसी इज रिजेक्टेड, इसलिए इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट, यहाँ पे सिंगल फ्रिक्वेंसी इज एक्सेप्टेड, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, करेक्ट। तो ग्राफ कैसा आया, ग्राफ कैसा आया, ऑप्शन नंबर डी, इम्पेडेंस नहीं प्लॉट किया हमने, क्या प्लॉट किया करंट, तो करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी, ये इम्पेडेंस वर्सेस फ्रिक्वेंसी बोला है हमने, प्लॉट क्या किया करंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑफकोर्स डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डन गुड। तो इसकी जरूरत है नहीं लिखने की, क्योंकि ये आपको बाय डिफॉल्ट थ्योरी में हुआ है तो पता होगा आपको। देन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू, आई जीरो, वेरी गुड, अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 2/π एम्पियर फ्लोज थ्रू प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 1 हेनरी, द पीक ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज, पीक ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, तो याद रखो ये आपको दिया था प्राइमरी, बोला ना पीक करंट है ना थ्रू प्राइमरी, मतलब आईपी म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, और आपको पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी पूछा है, मतलब ईएस पूछा है राइट, और आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया कितना 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब एफ या फिर सम बुक्स यूज एन फॉर दिस, एक ही बात है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मिल गया तो ओमेगा मिल जाएगा, व्हाट इज ओमेगा 2πf, मतलब 2π × 50 मतलब कितना 100π, गुड। ES, हाउ डू यू फाइंड आउट ES, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF इन सेकेंडरी, कैसे फाइंड करते हो, इजी है, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू नो,
which formula you will apply? Transformer. मैंने अभी अभी बताया I zero by root two क्या होता है? RMS value. So you know peak value is if you remember peak value by root two ये क्या होता है? RMS value. So peak value by root two is RMS value, right? IRMS. Then primary का तो यहां से क्या मिलेगा? आपको क्या दिया था? क्या दिया है? पीक वैल्यू. पीक वैल्यू बोला है ना? यस. तो पीक वैल्यू बोला है. देन यू नो व्हाट इज पीक वैल्यू. तो वहां से क्या मिल जाएगा? आरएमएस. बट आरएमएस व्हाट इज आरएमएस? कैसे सॉल्व करोगे इसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस भूल गए, कल ही सॉल्व किया हमने. EMF in secondary is MDI by DT. Correct? M पता है? Yes. DI by DT. कैसे find करेंगे DI by DT? M तो पता है ना, DI by DT मिल गया तो question solve. कैसे करोगे? How will you solve this? Look what is given to you. थोड़ा सोचना पड़ेगा ना आपको, बिकॉज इट्स समथिंग यू नीड टू थिंक. विच चैप्टर आर वी स्टडिंग? एसी सर्किट. एसी सर्किट में करंट क्या होता है? एसी होता है. एसी होता है मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग होता है. और सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस है, इट इज बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी. क्लियर? सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ES इक्वल टू M. मैंने अभी अभी बताया जस्ट नाउ दैट दिस इज एसी. एसी में करंट का इक्वेशन क्या होता है? पीक वैल्यू साइन ऑफ ओमेगा टी. वेरी गुड. तो हमको पीक वैल्यू, प्राइमरी का पीक वैल्यू, ओके, प्राइमरी का पीक वैल्यू, प्राइमरी का पीक वैल्यू दिया है क्या? कितना? 2/π. वेरी गुड, वेरी गुड. और क्या पूछा है? पीक ऑफ सेकेंडरी ईएमएफ. वेरी गुड. पीक वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू को आप डेरिवेटिव के बाहर लिख सकते हो. साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आता है कॉस ऑफ ओमेगा टी इनटू ओमेगा. और अगर आपके बेसिक क्लियर है, ये जो होता है इसको बोलते हो मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी. तो व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी? व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी? एम पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द प्राइमरी इनटू ओमेगा. करेक्ट. तो हमको फाइंड क्या करना था? हमको पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी फाइंड करना था. मैं वापस बता दूंगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. राइट. व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू? 1. व्हाट इज दिस? 2/π. व्हाट इज ओमेगा? 100π. कैंसिल एंड कैंसिल, कितना आ गया? 200. तो 200 आंसर में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी. तो क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा नोटेशन भी चेंज कर देता हूँ, बिकॉज यू सीम लिटिल कंफ्यूज विद द नोटेशन. कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करेंगे, पीक वैल्यू को मैं बोल दूंगा मैक्सिमम वैल्यू. किसका मैक्सिमम है? प्राइमरी का. ये कितना है? 2/π. और क्या बताया है आपको? आपको बताया है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब M. M कितना दिया है? 1 हेनरी. वेरी गुड. और आपको पूछा है व्हाट इज द पीक ईएमएफ मतलब पीक ईएमएफ, लेकिन कहाँ पे? सेकेंडरी में. ये पूछा है आपको, दिस इज बीइंग आस्क्ड. फ्रीक्वेंसी आपको दिया है सर्किट का कितना है? 50 हर्ट्ज. इससे क्या मिलेगा? ओमेगा. ओमेगा कैसे फाइंड करोगे? 2π f, which is 2π into 50, which is nothing but 100π. अब अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने इसके लिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि एसी सर्किट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट भी लगने ही वाले हैं. तो याद होगा, अगर याद होगा, यू शुड नो ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी.
बट इफ यू रिमेम्बर बिकॉज एसी सर्किट है तो ये होता है पीक वैल्यू पाई मैक्स राइट किसका प्राइमरी का इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी इज म्यूचुअल इंडक्टेंस डेरिवेटिव ऑफ आईएमएक्स पी साइन ऑफ ओमेगा टी लेकिन आईएमएक्स पी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी को डेरिवेटिव के बाहर रखेंगे साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा और ये जो होता है इसको आप बोलते हो पीक वैल्यू किसका पीक वैल्यू ईएमएफ का पीक वैल्यू लेकिन कौन सा सेकेंडरी का ये कितना आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू क्या आ गया आईएमएक्स किसका आईएमएक्स पी का इनटू क्या आ गया ओमेगा ये कितना था वन ये कितना है टू बाय पाई ये कितना है हंड्रेड पाई तो पाई कैंसल तो ये कितना आ गया 200 वोल्ट तो ऑप्शन नंबर आ गया आपके पास बी तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके तो याद रखना पीक वैल्यू मतलब कॉस के साथ जो कुछ भी होता है वो एम्पलीट्यूड होता है इसके लिए वो होता है पीक वैल्यू किसका पीक वैल्यू इस केस में सेकेंडरी ईएमएफ का Then it is just about substituting values and solving. Agla question. Same current is flowing through two AC circuits. First contains only inductance. Second contains only capacitance. The frequency of AC is increased for both. The current will. हमारे पास दो सर्किट है एक में सिर्फ इंडक्टेंस है एक में सिर्फ कैपेसिटेंस है दोनों ही सर्किट्स में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो करंट क्या होगा पहले में इंक्रीज होगा दूसरे में कम होगा दोनों में इंक्रीज होगा दोनों में डिक्रीज होगा पहले में डिक्रीज होगा दूसरे में इंक्रीज होगा तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दो सर्किट है तो यू हैव टू सर्किट्स एक में है ओनली इंडक्टेंस दूसरे में है ओनली कैपेसिटेंस राइट करंट दोनों केस में E इक्वल टू आई जेड तो I इक्वल टू E बाय जेड तो यहां पे भी I इक्वल टू E बाय जेड लेकिन इस केस में Z will be only XL क्योंकि only L is there यहाँ पे will be E upon XC only C is there मतलब यहाँ पे I is inversely proportional to XL in short but if you remember XL होता है omega L XL होता है omega L और आपको याद होगा ओमेगा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे 2 पाई एफ तो E इक्वल टू 2 पाई एफ एल करेक्ट मतलब E कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट L भी कांस्टेंट तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ यहां पे देखोगे तो ये होता है E अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C ये ऊपर जाएगा मतलब I इक्वल टू E ओमेगा C बट ओमेगा होता है 2 पाई एफ टू सी ई कॉन्स्टेंट 2 पाई कॉन्स्टेंट एफ कॉन्स्टेंट नहीं है सी कॉन्स्टेंट है आई इज प्रोपोर्शनल टू एफ अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो पहले केस में फ्रिक्वेंसी बढ़ाए तो करंट क्या होगा कम दूसरे केस में फ्रिक्वेंसी बढ़ाए तो करंट क्या होगा बढ़ेगा तो डिक्रीजेज इन फर्स्ट केस इंक्रीजेज इन सेकेंड डिक्रीज इन द फर्स्ट इंक्रीज इन सेकेंड ऑप्शन नंबर डी So this is how you are supposed to solve this question. Now, next question. This is a joke. अभी बताया था मैंने. AC measuring instrument क्या measure करता है? RMS value. Option number B. खत्म. तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ठीक है आंसर नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जोक है
RMS value of current, IRMS, is I0 by root 2. Done. Here the option number B. Next question. Next question. If the inductance and capacitance are both doubled, in LCR circuit, इंडक्टेंस भी डबल कर दिया, कैपेसिटेंस भी डबल कर दिया, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा? हाफ होगा. क्यों हाफ होगा? व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? अभी तो बताया मैंने, इफ यू रिमेंबर, XL इक्वल टू XC, ये होता है रेजोनेंस पे, ये होता है ओमेगा L, ये होता है 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा 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 स्क्वायर 1 अपॉन LC, ओमेगा इज 1 अपॉन रूट ऑफ LC, ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन रूट ऑफ LC. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज FR इज inversely proportional to 1 upon root of LC, right? ये पहला केस था. तो पहले केस में आप लिखोगे F1 is proportional to, one upon root of LC. दूसरे केस में आप नंबर double कर दो, तो root of 2L, और root of 2C. तो ये कितना आ गया? 2 into 2, 4. 4 का root कितना? 2. Correct? Right. तो 1 upon 2. तो सेकेंड केस अपॉन फर्स्ट केस इज रूट ऑफ एल सी अपॉन रूट ऑफ 2LC. कैंसल कैंसल, 1 upon 2 हाफ होगा. इतना करने की जरूरत ही नहीं है. यू शुड रिकॉल फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट 1 upon root LC, डबल डबल 2 2, स्क्वायर रूट के बाहर 2, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आके 2. 2 कहाँ था? डिनोमिनेटर में था. तो क्या होगा? हाफ होगा. देखो, decreases to one half of the original value. Option number A. So this is how you are supposed to solve. So what I am expecting during this crash course is, वो जो मैंने आपको theory lectures देखने के लिए लगाया था, वो इसलिए था कि आपको proportionality याद हो. तो अगले 2-3 lectures से हम full formula करने नहीं वाले, because you we have just started. तो नेक्स्ट टाइम से प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डन. पूरा फॉर्मूला जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एलआर सर्किट, एल और आर, सी इज मिसिंग. यू हैव 3 मिली हेनरी ऑफ इंडक्टेंस एंड 4 ओम ऑफ रेजिस्टेंस एंड इक्वेशन फॉर ई इज गिवन टू यू व्हिच इज 4 कॉस ऑफ 1000 टी. एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब क्या पूछा है? पीक वैल्यू है ना, आई मैक्स. आपको ऑलरेडी पता है आई मैक्स इज वी मैक्स अपॉन जेड. वी मैक्स मतलब ये जो 4 है, यू नो, वी इक्वल टू 4 कॉस ऑफ 1000 टी. 4 होता है मैक्सिमम वैल्यू. तो ये आ गया 4. अंडर रूट ऑफ जेड, जेड इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर. एक्स सी तो है नहीं, सी नहीं है तो इसे लिखा नहीं, तो यू हैव एक्स एल स्क्वायर. बट एक्स एल इफ यू रिमेंबर इज ओमेगा एल, लेकिन ओमेगा कितना है? 1000 है ना, ये ओमेगा होता है. कॉस 1000 टी मतलब ओमेगा इज 1000, राइट. एल, एल कितना है? 3 मिली हेनरी. 3 मिली मतलब 10 पावर माइनस 3, 10 पावर प्लस 3 माइनस 3 गया. तो XL कितना मिला? 3 ओहम. तो XL 3 ओहम और R कितना है? 4. 4 ना R, yes. तो what you will get is Imax equal to 4 upon root of 4 का square plus 3 का square. 25 होता है, root of 25 होता है 4 by 5 मतलब 0.8 एम्पियर. ऑप्शन नंबर ए. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, E इक्वल टू 200 रूट 2 साइन ऑफ 100 टी इज कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, द रीडिंग ऑफ एमिटर शैल बी. ऐसा क्वेश्चन किया ना सर हमने,
सेम है क्या? यस, तो कहीं तो वो 20 mA का आंसर आया था समवेयर, सिर्फ वैल्यू चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं, यही था 1 μF एंड सेम इक्वेशन, तो आंसर इज 20। तो 2018 में एक बार आया है सीईटी में क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन और एक बार अपियर हुआ है इन ईयर 2011 एंड 2019, 3 बार एक ही क्वेश्चन आया है, तो आंसर इज 20 mA। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद सी 10 μF एंड ओमेगा 1000 पर सेकेंड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल की कितनी वैल्यू, फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज एलसीआर सर्किट, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल, राइट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम, हाउ डू यू फाइंड आउट एल? ओमेगा इक्वल टू वन ऑफ रूट वन अपॉन रूट ऑफ एलसी, वेरी गुड, क्योंकि करंट मैक्सिमम या मिनिमम सीरीज में ही होता है, राइट। जब जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो, या तो इम्पीडेंस होगा मिनिमम या इम्पीडेंस होगा मैक्सिमम, इम्पीडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, करंट इज मैक्सिमम मतलब फॉर श्योर द कंडीशन इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में आपको पता होता है, मैं बता देता हूं, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम द सर्किट मस्ट बी इन रेजोनेंस, द सर्किट मस्ट बी इन रेजोनेंस, मस्ट बी इन रेजोनेंस, और सर्किट रेजोनेंस में होने का मतलब ये दैट ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी, तो ओमेगा स्क्वायर इज वन अपॉन एलसी, तो व्हाट इज एल? इट इज वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा कितना दिया है? 1000, 1000 का स्क्वायर मतलब 10^6, 10^3 का स्क्वायर आएगा 10^6। सी कितना दिया है? 10 μ, 10 μ मतलब 10^-6, 10^+6 -6 गया, 1/10 इज व्हाट? 0.1, राइट, तो 0.1, 0.1 आंसर में है ना, कैसे? ये 10^-1 है और आंसर में दिया है मिली मिली, तो मिली मिली के लिए 10^-3 चाहिए, हमारे पास था कितना? -1 था, तो 2 एडजस्ट कर लिए, -1 था ना, तो -1 को -3 + 2 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं, तो वैसा कर लिया, हेनरी, मतलब कितना हो गया? 100 mH है क्या? 100, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ देयर इज नो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट्स इट फॉर टुडे।